इस वीडियो को हम ध्यान से देखते हैं। इस मशीन में प्रॉब्लम यह है कि ये इसके टाइमर को ऑन करने के बाद ये जो चक्का है पल्सेटर ये घूमता नहीं है, लेकिन सिर्फ ये मशीन आवाज कर रहा है। ऐसे प्रॉब्लम आपकी मशीन में आ रहे होंगे तो किस तरीके से उसको चेक कर पाओगे, तो ये देखिए ये है इसकी लीड वायर। इसको हम इस बिजली की बोर्ड में लगा देते हैं और इसके स्विच को ऑन करते हैं। अब आप इस मशीन को ध्यान से देखिए, ये इसकी चक्का है पल्सेटर, ये इसका टाइमर होता है, टाइमर को हम ऑन करते हैं। आप ध्यान से देख सकते हो साउंड तो आ रहा है लेकिन इसके चक्के नहीं घूम रहा। एक बार देखिए, ये इसकी आवाज आ रहा है लेकिन चक्का नहीं घूम रहा। ऐसे कंडीशन में आप अपने मशीन को कैसे ठीक करोगे? तो सबसे पहले अपने मशीन की ये जो पावर प्लग है उसको ऑफ करके केबल वायर बाहर निकाल दें। उसके बाद हम चलते हैं इस मशीन के पीछे के साइड। तो इस मशीन को ध्यान से देखिए, इसके पीछे वाले कवर के स्क्रू मैंने निकाल दिए हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। इसकी कवर को खोलो, खोलने के बाद आपको अपने मशीन में यहाँ पर चेक करना है। देख पा रहे हो, ये है इसकी मोटर और ये है इसकी गियर बॉक्स। तो इसमें ये जो पट्टा दिख रहा है, ये पट्टा उतर जाता है जिसके कारण कई बार ये जो गियर बॉक्स चलते नहीं है मोटर के साथ, सिर्फ मोटर चलती है और गियर बॉक्स नहीं चलता। तो ऐसे में सिंपल पट्टा को इस मोटर में चढ़ाना होता है खाली। ये आप देख सकते हैं। अब मैं इस मशीन को चालू करके चेक करके दिखा देता हूं। यहां पर देख लो, अब इसके चक्के अच्छे से चलने लगे हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे फॉल्ट कई बार आपके वॉशिंग मशीन में आ जाते हैं, जिसे आप अपने ही घर पर बहुत सिंपल तरीके से ठीक कर सकते हो। इस वीडियो को देखकर आपके काम बन जाते हैं, तो लोगों को भी शेयर कर देना। हम फिर से मिलेंगे कोई नई वीडियो में नई जानकारी लेकर।